चतुर श्रेणी कर्मचारी भी नहीं बन सकते। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती में जो कि तृतीय श्रेणी और चतुर श्रेणी भर्ती में 100% भर्ती का भी प्रावधान था, उसको भी घटा दिया, कटौती कर दिया गया। इस प्रकार से आरक्षण से शुद्ध रूप से हमको वंचित कर दिया गया। और हमारा आदिवासी समाज, भोलावाला समाज सोचता होगा, हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, नौकरी तो हमको मिलता नहीं है, हमको नौकरी के लिए आवश्यकता नहीं है, हमको बहुत सारी लाभ आदिवासी आरक्षण के कारण मिलता है, आदिवासी आज भी बहुत लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए विकास यह लड़ाई को उनको आगे लाने के पार्टी से की दृष्टि से आरक्षण की बहुत भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है मांग होना चाहिए, आदिवासियों की हितैषी तो बनती है, लड़ाई अपने आप को साबित करना चाहती है। भूपेश की सरकार झूठे वादे करती है 30% आरक्षण को और ढोंग रचती है, जबकि इस आरक्षण को बचाने उसको हाई कोर्ट में अपना दलील पेश करना था, एक अच्छा पक्ष रखना था, वो अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण आदिवासी वर्ग का आज आरक्षण में 12% का कटौती हुआ। और जिसने याचिका लगाया था 32% आरक्षण देंगे केपी खांडे, उसको इस कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर उसको पुरस्कृत किया। तो ये कहीं न कहीं सोची समझी साजिश कांग्रेस की, कांग्रेस नहीं चाहती कि आदिवासी वर्ग आगे बढ़े, उनका विकास हो, इसलिए उनके आरक्षण में कटौती किया जाए, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस व्यक्ति को क्यों पुरस्कृत करता जो आदिवासी वर्ग के लोगों का आरक्षण के लिए उसने याचिका लगाया था। तो ये कुल मिला के कांग्रेस आदिवासी को खत्म करना चाहती है, इसलिए ये ऐसे सारे षड्यंत्र करने कर रही है। आप लोग देख रहे होंगे सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती सरकार ने चतुर्थ वर्ग तृतीय वर्ग कर्मचारी की जो भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता रखा था, उसको भी इस कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर कि यहाँ के आदिवासी लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में रहे, मर जाए, खप जाए, ये कांग्रेस की सोच है। लेकिन ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को आगे तक ले जाएगी, और जब तक हमको ये आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।